everyone, my name is Anna Kaushik. This video is about the ESR spectroscopy for the CSIR NET and GATE exam and for many competitive exam for the chemistry. Video सिर्फ examples के लिए है कि hyperfine splitting क्या होती है, मैंने बता दिया था. उसके examples हम formula based से solve करेंगे with the previous year questions also. So अगर आपने पहला वाला video नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं link दे रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं. स्टार्टिंग करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ESR स्पेक्ट्रा निकालना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से थोड़ा इजी होता है. सबसे पहले मैंने बेंजीन फ्री रेडिकल का एग्जांपल लिया है. 2Ni+1 फार्मूला का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सिंपल सा है कि यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, कार्बन इनएक्टिव न्यूक्लियर है. आई की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए हाफ होती है, तो आई की वैल्यू हाफ और एन की वैल्यू 5 रख के 6 लाइन्स मिली हमें बेंजीन रेडिकल के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेफ्थलीन. ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि फार्मूला तो हमने वही यूज़ किया है, पर चेंज किया है कि नेफ्थलीन में क्योंकि अल्फा और बीटा दो टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं, इसलिए यही फार्मूला दो बार यूज़ होगा. और दोनों के लिए जब हमें 5-5 लाइन्स मिलेगी, तो स्टार्टिंग की 5 लाइन्स को बीटा हाइड्रोजन की 5 लाइन्स फिर से स्प्लिट कर देगी और टोटल हमें 25 लाइन्स मिलेगी ESR स्पेक्ट्रा में. इस टाइप से अगर कोई भी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एंथ्रेसिन दिया है, तो उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा टाइप के होंगे, तो उनके लिए आपको ये फार्मूला 3 बार अप्लाई करना है. नेक्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये दोनों ही एक्टिव न्यूक्लियाई है. साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पे रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये हाइड्रोजन्स अलग हो जाएंगे. ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस इनकी अलग रूप से डिफाइन होगी, इसलिए ये भी तीनों ESR स्पेक्ट्रा अलग अलग देंगे. और इन सभी के ESR स्पेक्ट्रा का मल्टीप्लाई टोटल हमें मिलेगा 162 लाइन. मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है और ये बहुत ईजी से एग्जाम्पल है. अब आते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे देखिए, टाइटेनियम के लिए सबसे पहले टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के लिए आई की वैल्यू होती है 3/2. ये मैंने आपको बताया था, आई की वैल्यूज़ कुछ मैंने बताई हुई है. हाइड्रोजन यहाँ पे एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन के लिए होती है 1/2. सिंपल सा है, 2Ni+1 इंटू 2Ni+1. पहले टाइटेनियम से लाइन्स मिलेगी, देन हाइड्रोजन की वजह से वो स्प्लिट हो जाएगी. सो 2 × 1 × 3/2 + 1 इंटू 2 × हाइड्रोजन्स के यहाँ पे नंबर है 2 × 6 = 12 × 1/2 + 1. तो टोटल 4 × 13 = 52 लाइन्स मिलेगी. ओके, सिंपल सा एग्जांपल. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइटेनियम की जगह कॉपर लिया है. अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज होगा कि आपको पता होगा कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D9. D9 हाईली जॉन टेलर इफेक्ट शो करता है. जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है कुछ इस टाइप से. इससे क्या होगा, जैसे हमने अल्फा बीटा हाइड्रोजन्स की बात की थी नेफ्थलीन में, वैसे ही ये दोनों हाइड्रोजन एक्सिस पे आ जाते हैं, ये थोड़े प्लेन में रहते हैं 4 हाइड्रोजन. उसकी वजह से ये 4 तो सेम ESR स्पेक्ट्रा देंगे और ये दोनों H2O के मॉलिक्यूल्स अलग ESR स्पेक्ट्रा देंगे. तो इसके लिए हमें टोटल ESR स्पेक्ट्रा के लिए कॉपर के लिए आई की वैल्यू होती है 3/2 और हाइड्रोजन के लिए हमें पता है कि 1/2 होती है. बट यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन तो एक टाइप के हैं और बाकी के 4 हाइड्रोजन अलग टाइप के हैं. तो ये एक पहले ESR स्पेक्ट्रा आएगा कॉपर के लिए, फिर इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए. तो टोटल हमें मिलेगा 4 × 9 × 5 = 180 लाइन्स मिलेगी. तो यहाँ पे हमें जॉन टेलर इफेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में वेनेडियम ही ओनली एक्टिव न्यूक्लियाई है. वेनेडियम के लिए आई की वैल्यू होती है 7/2
ऑक्सीजन इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, एसिटाइल एसीटोन भी इनएक्टिव लिगेंड है। सो सिंपल सा है, 2Ni+1 इज इक्वल टू 2 × 1 × 7/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 लाइन्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी एसिटाइल एसीटोन ही एज अ लिगेंड है और कॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल सा है कि कॉपर ही एक्टिव न्यूक्लियाई रहेगा और 2Ni+1 फॉर्मूला से 2 × 3/2 + 1 इज इक्वल टू 4 लाइन्स। सिंपल से एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है, दिखने में काफ़ी बड़ा है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या करना चाहिए, पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लेनी चाहिए। तो Ni5C5H5 मीनिंग और इस कंपाउंड से Ni निकल जुड़ा हुआ है, जिससे 2 क्लोरीन और 1 CO अटैच है। सिंपल सी स्ट्रक्चर हो गई है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्टिव न्यूक्लियाई क्या क्या होंगे। क्लोरीन इनएक्टिव है, कार्बन और ऑक्सीजन भी इनएक्टिव है, सो ये कट हो गए। निकल एक्टिव न्यूक्लियाई है, जिसके लिए I की वैल्यू होती है 3/2। अब यहाँ पे 5 जगह पे 5 हाइड्रोजन्स हैं, सो सिंपल सी बात है कि 5 हाइड्रोजन्स यहाँ पे अवेलेबल है और जो एक्टिव न्यूक्लियाई है इनके लिए I की वैल्यू होगी हाफ। सो हम फॉर्मूला रखेंगे 2Ni+1 इंटू 2Ni+1 निकल के लिए 1 × 3/2 + 1 2 × 5 × 1/2 + 1 वी गेट 4 × 6 इज इक्वल टू 24 लाइन्स। सो ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल था, सिर्फ कॉम्प्लेक्स थोड़ा आपको बढ़ा दिया, आपको सिर्फ एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियाई रखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कॉपर एक्टिव न्यूक्लियाई है, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिसके लिए I की वैल्यू होती है 3/2। नाइट्रोजन भी एक्टिव न्यूक्लियाई है, जिसके लिए I की वैल्यू होती है 1। हाइड्रोजन भी एक्टिव न्यूक्लियाई है, जिसके लिए I की वैल्यू होती है 1/2। अब ये एग्जांपल क्यों मैंने यहाँ पे लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जब भी हाइड्रोजन किसी लिगेंड में किसी अनदर एक्टिव न्यूक्लियाई से ही अटैच होता है, अनदर एक्टिव न्यूक्लियाई से ही अटैच होता है, तो वो ESR स्पेक्ट्रा में पार्ट नहीं लेगा। सो ये हाइड्रोजन ESR स्पेक्ट्रा में पार्ट नहीं लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा, 2 × 1 × 3/2 + 1 × 2 × 1 × 4 × 4 + 1 नाइट्रोजन के लिए। सो 4 × 2 × 4 इज इक्वल टू 8 + 1 = 9 इज इक्वल टू 36 लाइन्स। इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे नोट कर ली कि जब भी हाइड्रोजन किसी अनदर एक्टिव न्यूक्लियाई से अटैच होगा तो वो ESR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। यहाँ तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लिए, अब यहाँ पे कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं। PH4 रेडिकल के लिए क्या होगा, फॉस्फोरस के लिए I की वैल्यू होती है 1/2 और हाइड्रोजन के लिए भी होती है 1/2, ये दोनों ही एक्टिव न्यूक्लियाई है। सो यहाँ पे हमें लाइन मिलेगी 2 × 1/2 + 1, एन तो यहाँ पे 1 ही है, × 2 × 1/2 × 4 + 1 इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू टोटल 10 लाइन्स। सो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस भी एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसी टाइप से BH3 रेडिकल, बोरोन में एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, बोरोन के लिए I की वैल्यू अलग होती है, I इज इक्वल टू 3 होता है, ये आप याद कर लें। सो यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन की वजह से जो हमें लाइन्स मिलेगी वो 7 × 4 इज इक्वल टू 28 लाइन्स मिलेगी। 7 बोरोन की वजह से और 4 लाइन्स हाइड्रोजन की वजह से मिलेगी, टोटल 28 लाइन्स। सो ये अलग टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से एक स्पेशल एग्जांपल है F2 का। अगर F2 के लिए क्वेश्चन आता है तो ध्यान दें कि F19 ESR एक्टिव है और F18 ESR इनएक्टिव है।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका F2 F19 एंड F19 का कॉम्बो है तो ये ESR स्पेक्ट्रा देगा। अगर ये F19 एंड F18 का कॉम्बो है तो यहाँ पे सिर्फ F19 ESR स्पेक्ट्रा देगा, ये भी ESR एक्टिव होगा। बट अगर F2 F18 एंड F18 का कॉम्बो है देन ये ESR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। सो इन दोनों एग्जांपल्स के लिए आप मुझे निकाल के बताइए कि ESR स्पेक्ट्रा की वैल्यू कितनी आएगी। फ्लोरीन के लिए आई की वैल्यू 1/2 ही होती है। अब इस एग्जांपल में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जहाँ भी किसी भी एग्जांपल में आप देखिए कि बोरोन एक्टिव न्यूक्लियाई है, फॉस्फोरस एक्टिव न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन्स भी एक्टिव न्यूक्लियाई है, बट ऑक्सीजन एंड कार्बन इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। तो जब भी किन्हीं दो एक्टिव न्यूक्लियाइज के बीच में अगर कोई अनदर दो इनएक्टिव न्यूक्लियाइज आ जाए, कंटिन्यू इनएक्टिव दो न्यूक्लियाई के बाद में अगर एक्टिव न्यूक्लियाई हो तो वो एक्टिव न्यूक्लियाई ESR हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में पार्ट नहीं लेता है। तो स्पेक्ट्रा सिर्फ इन दो हाइड्रोजन बोरोन एंड फॉस्फोरस की वजह से ही मिलेगा। सो सबसे पहले स्प्लिटिंग पैटर्न होगा फॉस्फोरस की वजह से, देन बोरोन की वजह से, देन हाइड्रोजन के लिए। फॉस्फोरस के लिए आई इज इक्वल टू मैंने आपको बता दिया 1/2, बोरोन के लिए 3 एंड हाइड्रोजन के लिए 1/2। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हम लेंगे 2, नंबर ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ फॉस्फोर इज इक्वल टू 1। सो इसके लिए हमें रेशियो मिलेगा 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 24 लाइन्स। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट एक और एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड है जो फोटोलाइसिस के अकॉर्डिंग एक रेडिकल देता है जो ESR एक्टिव होता है, जो ESR सिग्नल देता है। तो ESR लाइंस आपको बतानी कितनी लाइंस होगी। सो सिंपल सा है कि R3GE2 जब फोटोलाइसिस होगा तो ये रेडिकल देगा R3GE रेडिकल। एक दो रेडिकल्स बनेंगे, ये एक रेडिकल हुआ, ये एक कितनी ESR लाइंस देगा ये आपको बताना है। R3 यहाँ पे मिथाइल है, GE जर्मेनियम के लिए I की वैल्यू 9/2 दी हुई है। सो सिंपल सा है 2 × 1 × 9/2 + 1 = 10 लाइंस। कितना इजी था कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन को समझना है, आपको I की वैल्यू दी हुई है और आपको जस्ट फॉर्मूला से इसकी वैल्यू बतानी है। सिर्फ एक सिंगल रेडिकल के लिए पूछा था इसलिए हमने सिर्फ सिंगल रेडिकल के लिए है। अगर पूरे दोनों रेडिकल्स के लिए पूछता तो इसे मल्टीप्लाई करते और 20 लाइंस हमें मिलती। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के लिए आपको समझाए। होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। कोई अदर क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा जी वैल्यू के लिए, एक या तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आता है लाइन से रिलेटेड या फिर जी वैल्यूज, इसका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल द CSIR नेट एस्पायरेंट एंड ऑल द केमिस्ट्री लवर्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द ESR स्पेक्ट्रा प्रॉब्लम एंड एनी एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू द आंसर ऑफ द ESR स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और द क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।